नमस्कार, मी शुभांगी, माझ्या सोबत रहा अपडेट आणि हो SBI मराठीला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। जालनात शहीद भारतीय जवानांना भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात आली, तसे चीनी वस्तूंची यावेळी होळी करण्यात आली। भारत चीन सीमेवरील गलवान येथे चीनी सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये शहीद झालेल्या भारतीय जवानांना शुक्रवार जालना शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष रवी अग्रवाल, भाजपा अल्पसंख्या प्रदेश उपाध्यक्ष अतिक खान यांच्या वतीने श्रद्धांजली वाहून चीन राष्ट्रपती जिबिकचा आणि चीनी सेना पुतळ्याचं दहन करण्यात आले। शिवाजी पुतळा रोड येथे हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घेऊन पुतळ्याचं दहन करण्यात आले। यावेळी बोलताना भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष रवी अग्रवाल म्हणाले की चीन भारताच्या सीमेवर कुरापती काढत आहे। कोरोनाचा जगभर फैलाव करणाऱ्या चीनच्या जगभरामध्ये बदनामी होत आहे। भारतीय नागरिक चीनच्या वस्तूवर बहिष्कार घालत आहे, यामुळे चीनचं पित्त खवळलं आहे। यामुळे चीनी सैनिकांनी भारतीय सेनेच्या जवानावर हल्ला केला। यात आपल्या 20 जवानांना शहीद, चीनच्या 43 जवानांना यमराजाकडे पाठवण्यात आले। भारतीय नागरिकाने चीनी वस्तूवर बहिष्कार टाकावा व चीनी वस्तूंची होळी केली तरच ही आपल्या भारतीय शहीद जवानांना खरी श्रद्धांजली ठरेल। यावेळी श्याम जाधव, विजय शिंदे, अभय देसरडा, शिवराज बुरेवाल, सागर पोत्रेवार, ज्ञानदेव नागवे, श्याम बुरेलाल, कृष्ण पाटील आदींची उपस्थिती होती। सबसे पहले हमने आज भारत के शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये श्रद्धांजलि हमारे जो शहीद जवान हुए हैं जिसे धोखे से चीन ने मारा है उसे भारत ने उसकी ये उसे हजम नहीं हुआ था कि भाई हमें अस्थायी सदस्य बनने से वो रोक नहीं सका। 370 कलम हमने लद्दाख पे भी लगाई है उसे भी वो रोक नहीं सका। WHO का जो सदस्यता हमें जो उसके अध्यक्ष पद मिला है उससे भी वो रोक नहीं सका और उसके पेट में ये सब चीज़ें दुखने लगी। इस कारण वो बार बार हमें तकलीफ देना चाह रहा है और उस कारण हम जालनावासी सभी आज उसका पुतला जलाकर हम चाइना और उसकी सेना की निंदा करते हैं और सभी जालनावासियों से विनती करते हैं कि वो चाइना के हर प्रकार के सामान का बायकाट करे, उसे सामान को इस्तेमाल न करे और यहाँ से आगे जो भी चीज़ आपको खरीदना है वो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान का प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करने का हम आज प्रण लेते हैं और ये सभी जालनावासी और महाराष्ट्र की जनता ये प्रण पूर्ण करेगी।